पहाड़ों की रानी मसूरी में दो दिन हुई मूसलाधार बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते मसूरी दून मार्ग पर पानी वाले बैंड के समीप सड़क का अधिकांश हिस्सा जमींदोज होने की वजह से बड़े वाहनों के लिए अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और रोडवेज की बसों का आवागमन बंद हो गया है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल ली है और लोक निर्माण विभाग भी मार्ग के निर्माण कार्य में जुट गया है। देर शाम को जो है 5-6 बजे के आसपास जो है ये रोड धंसने की सूचना आई थी, उसके बाद हमने जो है ट्रैफिक रोक दिया था काफी हद तक मसूरी और राजपुर में जो है। लेकिन अब छोटे वाहनों के लिए क्योंकि जो है छोटे वाहन निकल जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है बारी बारी से जो छोटे वाहनों को भेज रहे हैं, लेकिन बड़े वाहनों को हमने जो है बिल्कुल जो है मना कर दिया। बड़े वाहन कोई भी जो है इस रोड से होकर नहीं गुजरेंगे। उसके अलावा PWD भी लगातार यहाँ पे जो है इस पे जो है नजर रखे हुए हैं और वो लोग जो है इसका रिपेयरिंग कर रहे हैं, अभी पुस्ता वगैरह देने के बाद जो है इस पे जो है नजर रखी जा रही है। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर ने कहा कि मार्ग को दुरुस्त होने में करीब 15-20 दिन का समय लग सकता है। यहाँ पे ये बहुत तेज बारिश थी कल परसों रात को, तो ये दिन में 3 बजे करीब ये पूरा यहाँ से पानी आ गया, स्लिप आ गए, पानी आया यहाँ पे, तो नीचे की दीवार पूरी टूट गई, तो ये कम से कम 45-46 मीटर लंबी दीवार है। तो अभी हम इसको बना ही रहे हैं, यहाँ पे काम चालू हो गया आज हमारा, तो ये 10-15 दिन के अंदर ठीक कर देंगे पूरा। ट्रैफिक तो हमने चालू कर ही दिया है, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप देख ही रहे होंगे ट्रैफिक चालू हो गया।